गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा। चैप्टर नंबर 6, लीनियर इनइक्वालिटी, एक्सरसाइज 6.1 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा पॉइंट नंबर 4th, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहां दो लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है आपके सामने, ठीक है बेटा। इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। 4x - 5 <11, हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले -5 को दूसरी तरफ लेके जाएं, अगर राइट हैंड साइड में ले जाएं, 11 माइनस 5 जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, 4x < 16, ठीक है। लेकिन हमें x फाइंड आउट करना है तो 4 को हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ डिवाइडिंग बाय 4 से डिवाइड करते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो बेटा कभी भी जो ये साइन है वो चेंज नहीं होता, 4 से 4 कैंसिल, x < 4। बीच में क्या चल रहा है, एंड, तो ये एंड चलता रहेगा। जो बेटा एंड है, एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। एक्चुअली मैं इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालूंगा, फिर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालेगा, जो दोनों का सॉल्यूशन निकलेगा उसके बीच में इंटरसेक्शन निकाल लूंगा, जो उनका कॉमन सॉल्यूशन होगा दैट इज द सॉल्यूशन। हमें इनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या आया, -3x - 4 > 8, -3x > 8, बेटा -4 इधर जाएगा तो 8 + 4, -3x > 12, ठीक है। लेकिन मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यहां पे x का जो कोफिशिएंट है -3 है, मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, मुझे -3 को हटाना पड़ेगा, तो -3 को हटाने के लिए डिवाइडिंग बाय -3 ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ -3 से डिवाइड करते हैं। बेटा नेगेटिव नंबर से जब भी डिवाइड करते हैं, देखो मैंने दोनों तरफ -3 से डिवाइड किया, नेगेटिव नंबर से जब भी डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होगा, तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो भी साइन बदलता है, अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो भी साइन बदलता है। तो -3 से -3 कैंसिल, x < 3 से 12 कैंसिल, -4, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू यहां पे क्या है, < 4 है। अगर हम चेक करें यहां पर 4 कहां पर है, मान लेते हैं 4 यहां पर, x लेस देन 4 है, 4 से छोटा, तो 4 से छोटा ये एरिया यानी कि -∞ था, तो इसका मतलब x इसमें बिलोंग करना चाहिए 4 से लेकर -∞, दैट इज द सॉल्यूशन। अगर यहां पर इक्वलिटी होती तो क्लोज ब्रैकेट आती, एंड का मतलब बेटा इंटरसेक्शन हो गया, इस एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -4 में यहां मान लेता हूं, ठीक है जी। अब x की वैल्यू क्या, -4 के बराबर या -4 से छोटा, तो -4 से छोटा ये एरिया होना चाहिए बेटा, -4 से छोटा ये एरिया, ये -∞ को रिप्रेजेंट करता है, ये +∞ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो x की वैल्यू या तो -4 के बराबर, -4 ये पॉइंट -4 है, या x -4 से छोटा, -4 से छोटा ये होता है -∞ का, तो -4 से लेकर -∞, ठीक है। लेकिन इक्वलिटी है यहां पर, तो -4 पे क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए, ठीक है, और -∞ पे ओपन ब्रैकेट आनी चाहिए। लेकिन दोनों रिजल्ट के बीच में इंटरसेक्शन है, तो हम इसका कॉमन सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। बेटा एक्चुअली क्या है, जो ये पहला सॉल्यूशन निकला है 4 से लेके -∞ और दूसरा है -4 से लेके -∞, ठीक है, जो ये दो सॉल्यूशन निकले हैं, ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन रिजल्ट होगा दैट इज द सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन है। तो इनका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे वो चेक कर लेते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, कैसे हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो देखेंगे। पहले क्या करना पड़ता है, -∞ चेक करो कहां पर है, ये -∞ और ये भी -∞, ध्यान क्या होगा बेटा, ये प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ दोनों जगह -∞, तो -∞ आपने ले लिया, ठीक है। यहाँ हमेशा +∞ आएगा राइट हैंड साइड में, +4 यहाँ ले लेता हूँ बेटा, -4 बेटा यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। आप जानते हैं +4 यहाँ पे आना चाहिए, पॉजिटिव यहाँ बड़ा नंबर आना चाहिए राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में छोटा नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब चेक करो 4 से लेके -∞ कौन सा, ये इंटरवल जो है 4 से लेके -∞, ये वाला है 4 से लेके -∞, ठीक है, और -4 से -∞ बेटा ये है। इन दोनों में कॉमन रीजन, कॉमन एरिया कौन सा, वही सॉल्यूशन है। कॉमन एरिया कौन सा बेटा, ये जो सर्कल है, जो छोटा वाला सर्कल, ये दोनों के अंदर इंक्लूड है, दोनों में कॉमन है, तो आंसर क्या होना चाहिए, -4 से -∞, दैट इज द सॉल्यूशन। दोनों का जो कॉमन रीजन है, जो कॉमन एरिया है, दैट इज द सॉल्यूशन। तो -4 से लेके -∞ सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन बेटा अब -∞ पे तो मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, लेकिन -4 के बारे में अगर मैं सोचूं कि भाई -4 पे ओपन ब्रैकेट आनी चाहिए या फिर क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए, वो कैसे पता चलेगा। मैंने यहां ओपन लगाया लेकिन क्या पता क्लोज आती, चेक कर लेते हैं कैसे। बेटा ये इसमें चेक करना कि दोनों में -4 है या नहीं, -4 इसके अंदर इंक्लूड है क्योंकि यहां पे क्लोज ब्रैकेट है, सो -4 इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। -4 क्यों इंक्लूड, क्योंकि यहां पे क्लोज ब्रैकेट है। लेकिन 4 से लेके -∞ के बीच में
अब चार से गिनती शुरू कर दो और माइनस इन्फिनिटी तक चलो, क्या बीच में माइनस फोर आएगा? आएगा बेटा, कैसे? फोर के बाद क्या आएगा? फोर से छोटा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तक जाना है, फोर से छोटा, थ्री टू वन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर से चलते जाओ, तो माइनस फोर आया, माइनस फोर इसमें भी है और इसमें भी, तो दोनों में है, अगर दोनों में है तो इंटरसेक्शन में आएगा, तो बेटा क्लोज ब्रैकेट में आना चाहिए, तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटीज। तो ध्यान रखना एंड का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, छठे का फोर्थ पार्ट कराया, इसी तरह से आप बाकी पार्ट जो ना अपने आप करने हैं, मैंने केवल एक करा है। एक्चुअली में इस 6.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पे कोमा आएगा, कोमा का मतलब एंड होगा और एंड का मतलब बेटा क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो सिक्स का एक पार्ट मैं आपको करा दिया, बाकी पार्ट अपने आप करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेवंथ, सेवंथ क्वेश्चन भी बेटा सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ में बेटा, सेवंथ में छह पार्ट है, तो इसमें से मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर छठा ही बताता हूं। सिक्स्थ पार्ट ऑफ सेवंथ क्वेश्चन, 3x plus 7 greater than equal to 5 minus 2x greater than equal to 13 minus 6x, 13 minus 6x, solve this problem, बेटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं हम, ठीक है? और हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, x की, इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक खास बात है, दो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, तो जब भी बेटा दो लीनियर इनइक्वालिटी है तो उसको सॉल्व कैसे करना, मैं आपको समझाना चाहूंगा। दो लीनियर इनइक्वालिटी आ जाए तो सबसे पहले तो 3x plus 7 greater than equal to 5 minus 2x, एक बार इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, एक लीनियर इनइक्वालिटी इनकी हेल्प से बनाएंगे, एंड एंड का यूज करेंगे बीच में, और दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी इन दोनों की हेल्प से बनाएंगे, 5 minus 2x greater than equal to 13 minus 6x, ठीक है बेटा? इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है बेटा? अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, वही इंटरसेक्शन दोनों का हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर माइनस का 2x है, जितनी भी जो x वाली टर्म होती है बेटा उनको एक साथ रखना जरूरी होता है, 3x और यहाँ पे क्या है, माइनस का 2x है, दोनों को हम चाहेंगे कि एक साथ रख लें, क्या करें बेटा, दोनों को एक साथ हम कंबाइन करना चाहते हैं, तो 3x नेगेटिव आ गया, माइनस 2x इधर ले आओ, प्लस का 2x आ जाएगा, ग्रेटर देन, सोच लो पहले हम क्या लिखते हैं, 7 एजिटीज रहने देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बेटा इस इनइक्वालिटी की एक खास बात है कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन बदलेगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन बदलेगा, अदरवाइज साइन कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है? यहां तक हम पहुंचे हैं, ये रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है जी? मैंने माइनस टू एक्स था उसको मैं क्या गया, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ले आया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, तो 3 प्लस 2x कितना आ जाएगा, 5x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है? अब मुझे x निकालना, तो x निकालने के लिए 7 मुझे राइट हैंड साइड में लेना पड़ेगा, 5x 5 माइनस 7, ठीक है बेटा, 7 तो राइट हैंड साइड में लिया है, तो 5x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 आ गया पास, लेकिन मुझे x निकालना तो 5 को करना पड़ेगा, तो 5 से क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड, बेटा पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे कभी भी साइन नहीं बदलेगा, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर साइन नहीं बदलता है, ये बात ध्यान रखी जाए, ठीक है जी? तो इस तरह से जब दो लीनियर इनइक्वालिटी के सिंबल हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, ध्यान देना बेटा। लेकिन कभी कभी कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली सॉल्व करने से बचता हूं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर दिखाता हूं, ठीक है? चलो देखते हैं अब क्या आया, 5 से डिवाइड कर दिया, साइन नहीं बदलेगा, x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2 बाई 5, तो x की वैल्यू क्या, माइनस का 2 बाई 5 के बराबर है, इक्वलिटी कहती है x बराबर है माइनस 2 बाई 5 के या इससे ग्रेटर है, तो माइनस का 2 बाई 5 बेटा ये रहा, ठीक है? तो x की वैल्यू माइनस 2 बाई 5 के बराबर या इससे ग्रेटर, तो ग्रेटर तो इधर होना चाहिए, प्लस इनफिनिटी की तरफ होना चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब x किस में बिलोंग करना चाहिए, माइनस 2 बाई 5 से लेके प्लस इनफिनिटी, ये होना चाहिए माइनस 2 बाई 5 पे बेटा। इस पे क्लोज ब्रैकेट क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी है इसलिए आई, और ये बेटा एंड बीच में चलता रहेगा बीच में, ठीक है? एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। इसको सॉल्व करते हैं, 5 माइनस 2x माइनस 6x को इधर ले आएंगे, प्लस का 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 बेटा x, क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना, तो जितने भी x वाली टर्म है बेटा उन सभी को एक साथ लेना चाहते हैं, एक ही साइड में करना चाहते हैं, या राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में करना चाहते हैं, क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो यहां पर क्या जाएगा,
बेटा माइनस सिक्स एक्स को इधर ले आए, फाइव माइनस टू एक्स प्लस सिक्स एक्स क्या बन जाएगा बेटा, फोर एक्स इक्वल टू 13। आप चाहे तो माइनस टू एक्स को बेटा राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, ठीक है, जैसा मर्जी करना चाहे करें। तो यहाँ पे 4x greater than equal to 13 minus 5, 4x greater than equal to 8, ठीक है बेटा, 5 को राइट हैंड साइड में लेंगे, 13 minus 5 कितना होता है बेटा, 8 होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4x greater than equal to 8 आ गया। तो दोनों तरफ 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आप जानते हैं क्यों। तो x always greater than equal to 2, तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। तो x value या तो 2 के बराबर या 2 से बड़ी है, और बीच में यहाँ बेटा एंड चलता है, बीच में क्या चल रहा है, एंड चल रहा है। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। अब दो से लेके प्लस इनफिनिटी, दो से लेके प्लस इनफिनिटी इक्वलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट आएगी। अगर x is equal to 2 ये रखा है, यहाँ पे इक्वलिटी दे रखी, तो 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट आई। अगर इक्वलिटी नहीं होती तो बेटा ओपन ब्रैकेट लगाते, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है 2 इंक्लूड है, ओपन ब्रैकेट का मतलब है 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये बात है हमारे पास। तो जब दोनों का रिजल्ट निकाल लिया, बीच में इंटरसेक्शन आ गया, तो इनके बीच में इंटरसेक्शन है, जो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन क्या है। चलो देखते हैं बेटा इंटरसेक्शन कैसे निकाल रहे हैं। माइनस का 2/5 यहाँ पर है और प्लस का 2 बेटा ये, ठीक है। माइनस इनफिनिटी इधर होना चाहिए, प्लस इनफिनिटी इधर होना चाहिए, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पे दोनों पॉइंट प्लॉट करेंगे, माइनस का 2/5 और 2 को प्लॉट करेंगे, माइनस इनफिनिटी रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस इनफिनिटी रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अगर हम इसमें चेक करें तो 2 से प्लस इनफिनिटी कहां पर है, 2 से प्लस इनफिनिटी, 2 से प्लस इनफिनिटी ये वाला एरिया है, 2 से प्लस इनफिनिटी, ठीक है। और माइनस 2/5 से प्लस इनफिनिटी, माइनस 2/5 से प्लस इनफिनिटी ये वाला एरिया है। अब चेक करो कि दोनों में कॉमन रीजन क्या है, कॉमन सर्कल क्या है, ये वाला एरिया क्या कॉमन है, ये जो सर्कल है उस बड़े वाले सर्कल में तो इंक्लूड है, ठीक है ना। 2 से प्लस इनफिनिटी क्या है, 2 से जो प्लस इनफिनिटी है वो इस वाले सर्कल में भी इंक्लूड, इस वाले सेट में भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब दोनों का कॉमन रीजन क्या आया, 2 से प्लस इनफिनिटी आना चाहिए। तो दैट इज द सॉल्यूशन, 2 से प्लस इनफिनिटी। अब मैंने इनफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगा दी, मैंने 2 पर भी बेटा ओपन ब्रैकेट लगाई है, लेकिन क्या पता 2 पे क्लोज ब्रैकेट आए। तो उसकी इस बात का ध्यान रखना कि 2 पे क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए या फिर ओपन आनी चाहिए। तो बेटा 2 इसमें इंक्लूड है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब है 2 इसमें इंक्लूड है। माइनस 2/5 से लेके प्लस इनफिनिटी तक 2 आएगा, हां बेटा आएगा, इसका दोनों में 2 है, तो दोनों में 2 है, इसका मतलब ये हुआ 2 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए। बेटा 2 क्लोज ब्रैकेट का मतलब है 2 इसमें इंक्लूड है। अच्छा यहां पर माइनस 2/5 से लेके प्लस इनफिनिटी तक चली गया, बीच में 2 आना चाहिए, बीच में 2 आएगा। माइनस 2/5 से प्लस इनफिनिटी तक चली, बीच में 2 आएगा, आएगा तो 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होना चाहिए, इसलिए 2 पे क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 7 का बेटा कौन सा पार्ट था, 6 पार्ट में आपको करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आपको अगर एक दो क्वेश्चन भी आ गए ना, अगर अपने तरफ से निकाल ली तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इतने आसान क्वेश्चन है। पहले 10 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसका एक क्वेश्चन आपको समझा दिया कैसे करना है। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन सुनाया तो बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, इसमें सारे क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 का बेटा, फिर दोबारा एक पार्ट करवाऊंगा, बल्कि 8 का 8 तो बल्कि और भी आसान क्वेश्चन है, 8 का जिसकी पॉइंट नंबर 4th में 5 × 2x - 7 माइनस का 3 × 2x + 3 2x + 3 < 0 and 2x + 19 < 6x + 47 and जब भी कभी and देते, कभी भी बेटा एंड गिवन हो, दो अलग अलग इनइक्वालिटीज आपको गिवन है यहाँ पर, उन दोनों के बीच में एंड गिवन है या फिर कोमा गिवन हो तो बेटा उसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। वो चाहता है कि मैं जो राइट हैंड साइड के अंदर आपको गिवन है एक्सप्रेशन और लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है, जो दो इनइक्वालिटी, दोनों को अलग अलग सॉल्व करें, दोनों का अलग अलग आंसर निकालें, ठीक, अलग अलग सॉल्यूशन निकालें, जो दोनों में सॉल्यूशन निकलेगा उसका इंटरसेक्शन कर दे, दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई 5 को जब 10x
5 को 7 से माइनस का 35, 5 7 जा, ठीक है, माइनस 3 को 2x से माइनस का 6x, माइनस 3 को 3 से माइनस का 9, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। 10x ये आ गया, 6x ये आ गया, 10x में 6x सबट्रैक्ट कर दें 4x, 35 में 9 ऐड कर दें माइनस का 44, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा मुझे x निकालना है तो 44 को चलो मैं उस साइड ले जाता हूं, 4x लेस देन इक्वल टू 44, ये आ गया आपके पास x का कोफिशिएंट। फिर मुझे x निकालना है तो x का कोफिशिएंट जो 4 है उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन द बोथ साइड्स, 4 हटाने के लिए मुझे क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो कभी भी साइन नहीं बदलेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 11, तो ये आप आ गया, x के लिए या तो 11 के बराबर है, 11 से छोटा है, मान लेते चलो 11 यहां पर है, या तो x बराबर 11 है या x के लिए लेस देन, बेटा ये लेस देन का सिंबल है, तो या तो 11 या 11 से छोटा ही हो सकता है, माइनस इनफिनिटी, तो यानी कि x के लिए 11 से लेकर माइनस इनफिनिटी x बिलोंग करना चाहिए, 11 से लेके माइनस इनफिनिटी के अंदर x बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने एक पार्ट निकाल के दिखा दिया है, अगर मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करूंगा और वास्तव में ऐसे x वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। अब जानते हैं बीच में एंड चल रहा है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो 2x plus 19 less than equal to 6x plus 47, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करता हूं, इस 2x को राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, 19 एज इट इज लिख देता हूं, एंड 19 less than equal to 6x plus 47 minus का 2x, बेटा इस 2x को मैं राइट हैंड साइड में ले गया, 2x प्लस करना उधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो 6x जो कि राइट हैंड साइड में है, 6x उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में भी ला सकते थे, कैसे भी कर सकते हैं। तो यहां पे क्या आ गया, एंड 19 लेस देन इक्वल टू 6x में से 2x सबट्रैक्ट कर दो, 4x प्लस का 47, ठीक है जी, ये आ गया। मुझे x निकालना है तो x निकालने के लिए मुझे 47 को हटाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इधर लाना पड़ेगा, 19 माइनस 47 लेस देन इक्वल टू 4x, अब 19 में से 47 अगर सबट्रैक्ट करते तो कितना है, माइनस का 28, माइनस 28 लेस देन इक्वल टू 4x, ठीक है बेटा। x निकालना चाहते हैं, x के साथ कौन है, 4 है, 4 को हटाना पड़ेगा, तो दोनों को डिवाइडिंग बाय 4, 4 से डिवाइड कर दो ऑन द बोथ साइड्स, आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कभी भी साइन नहीं बदलता बेटा, 4 क्या पॉजिटिव नंबर है, प्लस 4 से डिवाइड कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन इक्वल टू x, 4 से 28 कैंसिल, माइनस 7, माइनस 7 लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया, माइनस 7 लेस देन इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x आ गया। अगर नंबर लाइन पर अगर चेक करूं इसको रिजल्ट को, तो माइनस 7 कहां पर है, मैं मान लेता हूं माइनस 7 यहां पर है, तो x के लिए या तो माइनस 7 के बराबर है या माइनस 7 से बड़ी, तो माइनस 7 से बड़ा तो बेटा ये होगा प्लस इनफिनिटी की तरफ, तो x के लिए क्या, या तो माइनस 7 के बराबर या माइनस 7 से बड़ी, तो माइनस 7 से लेके प्लस इनफिनिटी, माइनस 7 से कहां पर आ गया बेटा, प्लस इनफिनिटी, तो बीच में एंड चलता जा रहा था लेकिन मेरा एंड, ठीक है। और यहां पर भी क्या आ गया, एंड, तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग करता है माइनस इनफिनिटी से प्लस 11, एंड, और एंड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, इंटरसेक्शन, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है, माइनस 7 से प्लस इनफिनिटी, माइनस 7 से प्लस इनफिनिटी ब्रैकेट, यहां पे तो ओपन ब्रैकेट, लेकिन यहां इक्वलिटी इसलिए यहां पर क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए, देख लिया करो अगर यहाँ x के साथ इक्वलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। x की वैल्यू क्या थी, माइनस 7 के बराबर, इससे बड़ी, दोबारा तो इस तरह की होना चाहिए ना। अब दोनों बीच में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाहेंगे, इंटरसेक्शन देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालते हो बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो माइनस इनफिनिटी को यहाँ लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इनफिनिटी होता है और राइट हैंड साइड में प्लस इनफिनिटी होता है, डाल दो इसका जो 11 पॉइंट और ये माइनस 7 की तरफ ध्यान दो, जो दो पॉइंट दे रखे हैं, माइनस 7 यहाँ पे आना चाहिए आप जानते हो, 11 यहाँ पे आना चाहिए, जो बड़ी वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है बड़ी वैल्यू, पहले छोटी वैल्यू माइनस 7 आनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। इतना काम करने के बाद इसमें कॉमन रीजन चेक करना चाहते हैं, कॉमन एरिया क्या है, तो चेक करो 11 से माइनस इनफिनिटी कौन सा बेटा, 11 से माइनस इनफिनिटी ये होना चाहिए, ठीक है। माइनस 7 से प्लस इनफिनिटी, माइनस 7 से प्लस इनफिनिटी, माइनस 7 ना प्लस इनफिनिटी इधर है, तो हम माइनस 7 से प्लस इनफिनिटी ये होना चाहिए, दोनों का कॉमन रीजन कौन सा बेटा, ये जो दोनों सर्कल के कॉमन में हो, यानी कि एक ऐसा एरिया जो पहले सर्कल के अंदर भी है, वो एरिया जो दूसरे सर्कल में, यानी कि पहले में भी है और दूसरे में, दोनों में वो एरिया हमें इसमें देखना पड़ता है, वही कॉमन रीजन होगा। इट मींस दैट इज इक्वल टू माइनस 7 टू 11, आंसर क्या आया, माइनस 7 टू 11। अब मैंने यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा दी है, लेकिन पता नहीं ओपन आएगी या क्लोज आएगी, वो डिसाइड करना पड़ेगा अभी,
वो कैसे डिसाइड करें वो समझाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे जो माइनस सेवन आया, जो ओपन ब्रैकेट का माइनस सेवन आया, माइनस सेवन बेटा इधर चेक करो, माइनस सेवन क्लोज ब्रैकेट में है, इसका मतलब माइनस सेवन इसमें इंक्लूड है, माइनस सेवन इसमें इंक्लूड है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। क्या इलेवन से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाओ, इलेवन से माइनस इन्फिनिटी यानी कि इस इंटरवल के अंदर क्या माइनस सेवन होगा? हाँ, इसमें भी माइनस सेवन होगा। तो माइनस सेवन दोनों के अंदर है, तो दोनों में है, तो माइनस सेवन पे क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए, क्योंकि बेटा माइनस वन इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों के कॉमन रीजन में भी आना चाहिए, ठीक है ना? यानी कि माइनस वन दोनों के कॉमन रीजन में भी आना चाहिए, तो माइनस वन के ऊपर क्लोज ब्रैकेट आ गया। आंसर तो आ गया माइनस सेवन से इलेवन, ठीक है, लेकिन ये चेक करना कि माइनस सेवन और इलेवन, माइनस सेवन और इलेवन, ठीक है, इस इंटरवल में आएंगे या नहीं आएंगे। ओपन का मतलब, ओपन इंटरवल का मतलब लगाना है नहीं आएंगे, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, माइनस वन इंक्लूड, 11 चेक करें, 11 इसमें 11 की पर क्लोज ब्रैकेट है, तो 11 इंक्लूड है क्योंकि यहां पे इक्वलिटी थी, तो 11 इंक्लूड है। क्या माइनस सेवन से इन्फिनिटी के बीच में 11 आएगा? माइनस सेवन से इन्फिनिटी यानी कि इसके बीच में भी 11 आएगा, चेक कर लो, माइनस सेवन से गिनती करना शुरू करो, प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलो, जैसे कि माइनस सेवन, माइनस सिक्स, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस सिक्स, 11 बीच में आएगा, तो 11 इसमें भी दोनों में है, तो माइनस 11 पे भी क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इन लीनियर इनइक्वालिटीज का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान रखना कि एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, जो इसमें ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करें तो साइन बदलेगा, अदरवाइज कभी भी साइन बदलने की जरूरत है नहीं। आपको लगे कि आपने नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, दोनों तरफ नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, या नेगेटिव वैल्यू को हम दूसरी तरफ लेकर आते हैं, नेगेटिव वैल्यू को हम मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं दूसरी तरफ, या डिवाइड में लेकर जाते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का मैं एक पार्ट आपको समझाने जा रहा हूं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम थर्ड देख लेते हैं या फोर्थ देख लो। चलो, 3x minus 4 upon by 2 greater than equal to x plus 1 upon by 4 minus का 1 upon by 1। तो ये इसको सॉल्व करूंगा मैं, और यहां से x value फाइंड आउट करना चाहेंगे भाई, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा है, केवल एक ही लीनियर इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करो और x value फाइंड आउट करो, जैसे हम करते हैं नॉर्मल साइड। 3x minus 4 upon by 2 greater than equal to, बेटा इन दोनों का LCM निकालेंगे कितना आया, 4, x plus 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 4, तो 3x minus 4 अपॉन में 2 greater than equal to x 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 3 अपॉन, ठीक है। चाहे तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 को बेटा इधर ले आओ, 4 इंटू में 3x minus 4 greater than equal to 2 साइड ले आओ, 2 इंटू में x minus 3। मैं आपको यहां एक बात बता देना चाहता हूं, अगर 4 पॉजिटिव है, जो डिवाइड में है 4 पॉजिटिव है, तो 4 को मैं इधर ले आया, लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, 2 जो कि पॉजिटिव नंबर है उसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर किसी वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं, जैसे कि इसको यहां पे लेकर आए, मल्टीप्लाई में मेरा मतलब मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर जाके, ठीक है, तो अगर वो पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर आप इस साइड लेकर जाते हैं तो साइन नहीं बदलेगा, लेकिन अगर ये माइनस 4 होता तो बेटा इसका साइन बदलना पड़ जाता हमें, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आ जाता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, पहले एक बार ये देख लेते हैं। 12x 16 greater than equal to 2x minus 6, ठीक है, x वाली टर्म्स बेटा एक साथ ले लेंगे, 2x इधर ले आओ, 12x minus 2x minus 16 greater than equal to minus 6, ठीक है, 2x को आप इधर ले आए, 12 minus 2 क्या कितना जाएगा 10x, minus 16 को उधर ले आ सकते हैं, minus जाएगा plus का 16 minus का 6, ठीक है, तो 10x तो कभी भी साइन नहीं बदलता, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर साइन नहीं बदलता, ये बात क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है जी। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, 10 से 10 कैंसिल, x greater than equal to 1 आ गया। तो बस सॉल्यूशन क्या है, नंबर लाइन पे अगर चेक करें, x के लिए 1 ही यहां पर है, x के लिए या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ा तो ये होना चाहिए, ये पॉजिटिव, ठीक है, प्लस इनफिनिटी की तरफ,
तो x बिलोंग करना चाहिए बेटा क्या 1 से प्लस इनफिनिटी की तरफ बिलोंग करना चाहिए, दैट इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ बेटा, एक आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया पहले 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको ये दो तीन क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखे शुरुआत के दो तीन क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देख लिए तो भी आप इसको सॉल्व कर देंगे। यहां पर हमें ये गिवन नहीं है किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि x किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, तो यहां ऑटोमेटिकली x ने रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। मैं एक दोबारा से क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूं आपको, 3x माइनस 4 अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन में 4 माइनस 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 की जगह माइनस 2 ले लिया, 4 की जगह माइनस 4 ले लिया, तो मैं देखना चाहता हूं कि एक्चुअली में अगर नेगेटिव नंबर ले ले तो क्या फर्क पड़ेगा, नीचे माइनस टू इधर चलो प्लस का फोर ले लो कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह वैसे नेगेटिव भी हो सकता है, तो देखना क्या करना है। अपन माइनस टू एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आया 4। ये मैं अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ठीक है, जो बुक में नहीं है, मैं जानबूझ के यहां माइनस टू ले रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं माइनस टू अगर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या गया 3x minus 4 upon minus 2 greater than equal to x 1 minus 4 minus का 3 upon में 4 आया, ठीक है बेटा, तो ये रिजल्ट आपके पास आया। लेकिन अब की बार यहाँ minus 2 है और यहाँ पे प्लस का 4 है, जबकि जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसमें यहाँ पे प्लस का 2 था, ठीक है ना। अब नेगेटिव नंबर ले लिया, माइनस 2 ले लिया, अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 4 ऑन द बोथ साइड्स, डायरेक्टली उधर ले जाता हूं तो साइन सीधा ही बदल देना बेटा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान रखना ये बात। क्यों हुआ ऐसा, एक्चुअली में ऐसा इसलिए हुआ, देखो मैं माइनस वन को डायरेक्टली इधर ले आया तो माइनस का x माइनस 3 आ गया, ये माइनस इधर चला गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल था वो लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या गया, अभी बताऊंगा क्यों, दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं। तो माइनस अंदर माइनस x प्लस 3, जैसे ही नेगेटिव नंबर को आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे या नेगेटिव नंबर को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे मल्टीप्लाई में होगी, ठीक है, तो बेटा 100% साइन चेंज होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। माइनस एक्स इधर ले हो 7x हो जाएगा, 11 इक्वल टू 8 उधर ले आएंगे, 8 प्लस की 11 आ जाएगा, 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 11 बाय 7 आंसर आ गया, ठीक है। एक्चुअली माइनस एक्स इधर ले और 7x हो गया, माइनस 8 उधर जाएगा, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से जो डिवाइड कर रहा हूं एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर साइन कभी नहीं बदलता, तो x लेस इक्वल टू 11 बाय 7 नंबर लाइन चेक करो 11 बाय 7 ये रहा, तो x को लिया तो 11 बाय 7 के बराबर है, इससे छोटी इससे छोटा रिजल्ट ही होना चाहिए माइनस इनफिनिटी, ठीक है। तो आंसर क्या है 11 बाई 7 से माइनस इनफिनिटी, 11 बाई 7 से इक्वलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए, ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब इसलिए समझाया क्योंकि नेगेटिव नंबर को दूसरी तरफ ले गए तो किस तरह से साइन बदला है, इसको नेगेटिव नंबर को उधर ले जाने का मतलब ये था कि क्या कि दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस वन से इधर भी और इधर भी, जब मैं दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो साइन था ग्रेटर देन इक्वल टू का वो कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ताकि यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा 6x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू, या माइनस आगे लगा दिया x माइनस किया आगे सॉल्व कर लेंगे जैसे कर पता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 का एक पार्ट मैंने आपको समझाया, इसके बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें छोटी सी भी गलती बेटा क्वेश्चन गलत कर देगी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th का मैं आपको एक पार्ट समझा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10th में, चलो अभी फिलहाल एक काम करते हैं।
इतना ही बहुत है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है।